हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि YouTube के वीडियो पर थंबनेल कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, यहां पर मैं दो तरीके बताने वाला हूं, एक YouTube की वेबसाइट का उपयोग करके और दूसरा YouTube क्रिएटर स्टूडियो ऐप का इस्तेमाल करके। दोनों तरीके मैं बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पास में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम चले जाते हैं गूगल क्रोम में और गूगल क्रोम में जाके हम न्यू टैब ले लेते हैं। न्यू टैब लेने के बाद हमें यूट्यूब की जो वेबसाइट है उसे ओपन करना है। यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर यूट्यूब में लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर राइट साइड में ऊपर देखिए, मेरा यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह के ऑप्शन आएंगे, यहाँ से हमें क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। जैसे ही आप क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखिए कुछ आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा फोटो है, उसके बाद बॉक्स है और नीचे वीडियो का एक सिंबल बना हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे वीडियोज़ की लिस्ट आ जाती है, जो जो वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम जिस वीडियो पर थंबनेल लगाना चाहते हैं उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब ये पेंसिल का निशान आ गया। अब जैसे ही आप पेंसिल के आइकन पर क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए दोस्तों, वीडियो के कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं और आगे लिखा है अपलोड थंबनेल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपकी गैलरी खुल जाएगी, यहाँ से आपने थंबनेल जहाँ पर बना रखा है उसे ओपन करना है। मैंने पिक्सआर्ट में बना रखा है। दोस्तों ये रहा मेरा थंबनेल, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर थंबनेल आ गया और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। दोस्तों एक दूसरा तरीका और है, वो है YouTube क्रिएटर स्टूडियो ऐप के द्वारा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम YouTube क्रिएटर स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें जिस वीडियो पर थंबनेल लगाना है उसको हमें सिलेक्ट करना है। ये देखिए इस वीडियो पर मुझे थंबनेल लगाना है, तो यहाँ पर ये जो पेंसिल का निशान है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर एक और पेंसिल का निशान है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कस्टम थंबनेल, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब हमारी गैलरी खुल जाएगी, जो थंबनेल हमने बना रखा है उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस सिलेक्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हम वापस बैक चले जाएंगे। अब यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा थंबनेल यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।